हेलो गाइस एंड वेलकम टू ओनली आई एस एंड दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ आर एंशियंट इंडियन सीरीज ऑफ आर क्रैश कोर्स एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस मेनली द टू टॉपिक्स फर्स्ट इज द संगम एज एंड लास्ट में अदर डायनेस्टीज ऑफ साउथ इंडियाज लाइक पल्लवास चालुक्यास एंड द राष्ट्रक्रोटास ओके सो लेट स्टार्ट विद आर वेरी फर्स्ट टॉपिक दैट इज द एज देखिए आप सभी जानते होंगे वेंकटम हिल्स एंड कन्याकुमारी को इस मैप में देखिए दिस मैप इज ऑफ आंध्र प्रदेश हियर दि चोलास एंड हियर यू विल फाइंड वेंकटम रेंज और यू कैन से वेंकटम हिल्स एंड दिस रीजन इज कन्याकुमारी एवरी वन नोज दैट सो वेंकटम हिल्स एंड कन्याकुमारी के बीच में संगम्स वर ऑर्गेनाइज संगम्स को तमिल लैंग्वेज में मुच्चा चंगम भी कहते हैं इसको ध्यान रखिएगा ओके ना ये संगम्स क्या हैं देखिए संगम्स कुछ नहीं सिर्फ और सिर्फ एक असेंबली है पोएट्स की मतलब इस रीजन में वेंकटम हिल्स और कन्याकुमारी के बीच के रीजन में कहीं ना कहीं क्या होती थी संगम्स ऑर्गेनाइज होती थी संगम्स या फिर आप कह सकते हैं मुच्चा चंगम इसका मतलब होता है असेंबली ऑफ पोएट्स दूर दूर जगह से पोएट्स आते थे और यहाँ पर जो भी वो ऑब्ज़र्व करते थे इन दो रीजन के बीच में वेंकटम हिल्स एंड कन्याकुमारी के रीजन के बीच में जो भी वो ऑब्जर्व करते थे दे यूज टू राइट इन पोएटिक फॉर्म्स ठीक है और ये एक सिलसिला आप कह सकते हैं थर्ड सेंचुरी बीसी से थर्ड सेंचुरी एडी तक चलता रहा मतलब अप्रोक्सीमेटली फॉर सिक्स हंड्रेड ईयर्स ठीक है और ये सारी जो संगम्स थी वो किसी ना किसी राज्य के द्वारा पेट्रोनाइज की गई होगी जी हां सो दे वर पेट्रोनाइज बाय पांड्या किंग और इन्हीं 600 सालों को हम संगम पीरियड कहते हैं बिकॉज इस टाइम पे संगम असेंबलीज ऑर्गेनाइज हुई थी और इन्हीं संगम असेंबलीज से हमें आप कह सकते हैं चोला चेरा एंड पांड्या के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है ठीक है बिकॉज यहाँ पर पोएट्स ने लिखा था कि देयर वॉज अ चेरा किंग दियर वॉज अ पांड्या किंग इनके बीच में बैटल हुआ इसके बाद सोसाइटी की ये कंडीशन थी फिर इसके बाद नया स्टेट फॉर्म हुआ यहाँ पर ये काम चलता था तो यही सब इन पोएट्स के द्वारा लिखा गया था सो फिर से एक बार इसको रिवाइज करवाता हूँ वेंकटम हिल्स एंड कन्याकुमारी के बीच में संगम्स वर ऑर्गेनाइज संगम्स क्या थी अकेडमी ऑफ तामिल पोएट्स या फिर असेंबली ऑफ तामिल पोएट्स ये चली थी थर्ड सेंचुरी बीसी से लेके थर्ड सेंचुरी एडी तक इसकी डेट डिस्प्यूटेड है आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इन द टाइमलाइन वीडियो ठीक है अब इन संगम असेंबली में पोएम के फॉर्म में जो भी पोएट्स हैं उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं और वहीं से हमें पता चलता है कि इस टाइम पे हमारे सामने तीन मेजर किंगडम्स थे यहां पर चोला चेरा एंड पांड्या ठीक है तो ये हो गया संगम एज का कुछ इंट्रोडक्शन जिसमें लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि भाई ये संगम असेंबली क्या है संगम संगम एज क्या है एज इज नथिंग जब संगम्स लिखी गई ठीक है मतलब संगम लिटरेचर लिखा गया और ये पीरियड क्या था थर्ड सेंचुरी बीसी से लेके थर्ड सेंचुरी ए तक डेट याद रखना आपको ठीक है आंसर फर्स्ट अर्बनाइजेशन ऑफ साउथ इंडिया ओके तो अब मेरा क्वेश्चन ये है क्या चोला चेरा पांड्या के अलावा कोई और किंगडम्स नहीं थे जी हाँ थे तो उसका मैंशन हमें कहाँ मिलता है सेम संगम में जो मिलता है ना और सेकेंड क्वेश्चन इज क्या चोला चेरा पांड्या का मेंशन सिर्फ और सिर्फ संगम लिटरेचर में है कहीं और नहीं जी नहीं ऐसा नहीं है अगर सिर्फ वही बस होता ना तो शायद तक वो हमें डाउटफुल होता कि ऐसे कोई तीन किंगडम एग्जिस्ट करते भी हैं कि नहीं कुछ और लोगों ने भी बताया कि यस देयर वर थ्री मेजर किंगडम्स ऑफ साउथ इंडिया एंड जिसका सबसे पहला प्रूव मिलता है हमें अशोका के एडिक्ट से अशोका का जो सेकेंड एंड थर्टींथ एडिक्ट है उसमें लिखा है कि देयर वर थ्री किंगडम्स ओके चेला चोला चेरा एंड पांड्यास एंड सात्यपुत्रास ठीक है याद रखना इसके बाद जो ग्रीक ऑथर्स हैं लाइक मेघास्थनीस स्ट्रैबो प्लिनी टॉलमी इन सब ने लिखा है कि भाई साउथ इंडिया के साथ दे हैड अ गुड ट्रेड रिलेशंस इसके साथ ही साथ खारावेला किंग को आप जानते ही होंगे ठीक है तो उनका जो हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन है ये बहुत फेमस है हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन इसमें भी अगर आप देखोगे चोला चिरा पांड्या का नाम मिलता है तो आप कह सकते हैं कि यस देयर वर थ्री किंगडम्स और उनमें से एक रूलर थे पांड्या जिन्होंने ये संगम्स ऑर्गेनाइज करवाई मतलब असेंबली ऑफ पोएट्स फ्रॉम थर्ड सेंचुरी बी टू थर्ड सेंचुरी एडी और वहां पर बहुत लिटरेचर लिखा गया और उसके थ्रू हमें मेजरली इस रीजन की ठीक है ये जो बीच में ये वाला जी रीजन है इस पूरे रीजन की आप कह सकते हैं सोसाइटी इकोनॉमी पॉलिटी सब पता चलती है ठीक है सो so, ये चीज हो गई आपको क्लियर मतलब आई थिंक संगम का जो आपको डाउट होता है वो क्लियर हो गया अब इट इज जस्ट पहली संगम वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय गॉड्स एंड लेजेंडरी सेजेस तो इस टाइम का कोई भी एविडेंस हमारे पास अवेलेबल नहीं है और ना ही कोई संगम का वर्क अवेलेबल है देखो सिंपल सी बात है कुछ लिखा गया होगा बट स्टिल लाइक इतना टाइम हो गया सो एवरी थिंग जस्ट वैनेज ठीक है इसके बाद दूसरी संगम हो जी कहाँ पर कापातपुरम में ठीक है दिस वॉज ऑल्सो चेयर्ड बाय अगस्तिया और इस संगम की सिर्फ और सिर्फ एक बुक हमारे पास अवेलेबल है दैट इज तोलका पीएम बट ये तोलका पीएम बुक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों बिकॉज जो पूरी तमिल ग्रामर है ना वो इसी बुक से ओरिजिनेट होकर आती है और यहीं से आप कह सकते हैं तमिल लैंग्वेज इतनी ज़्यादा डेवलप हुई ठीक है इसके बाद तीसरी संगम होती है न्यू मदुरई में और इट वॉज़ एक्चुअली चेयर्ड बाय नकीरार तो आप समझ सकते हैं भाई अगस्त कब तक जिएंगे तो अब ही डाइट तो एक्चुअली नए चेयर आए जिनका नाम था नकीरार ठीक है और यहाँ से एक्चुअली हमें दो तीन संगम लिटरेरी वर्क्स मिलते हैं ओके और यही मेजर बुक्स हैं जहाँ से एक्चुअली संगम पीरियड को हमने डिफाइन किया है तो आप कह सकते हैं कि शुरू का जो फर्स्ट सेकेंड सेंचुरी रही होगी उसके बारे में कुछ खास आइडिया नहीं है बट आखिरी के जो संगम के एजेस थे जब वो अपने पीक पे आ चुके थे उसका अच्छा आइडिया था है। ठीक है बिकॉज शुरू की बुक्स ही अवेलेबल नहीं है ना तो कहाँ से पता लगाएंगे अपन भी जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है दैट वी गेट फ्रॉम द मेगास्नीज स्टाबो टॉलमी एंड ऑल ठीक है समझ में आया चलिए वेर एंड गुड सो so, अब जितनी भी संगम लिटरेचर है ना उनको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं देखो ये यहां पर जो बुक्स मिली यहां पर बुक्स मिली ठीक है जितनी भी बुक्स मिली उनको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है एक है नरेटिव टेक्स्ट और दूसरी है डायरेक्ट टेक्स्ट ठीक है टेक्स्ट सॉरी तो नरेटिव टेक्स्ट को याद रखिएगा हम कहते हैं मेल कानकू ठीक है या फिर आप हमारी हिंग्लिश में सुनना चाहें तो एटीन मेजर वर्क्स ठीक है अठारह मेजर वर्क मतलब सिंपल सी बात है अठारह बुक्स हैं तो कौन कौन सी अठारह बुक्स हैं देखो अठारह बुक्स में सबसे पहली आती है आठ लॉन्ग पोएम्स जिनको हम कहते हैं एट्टू टोगाई देखो यहां पर देखो एट्टू टोगाई और उसके बाद आती है दस स्मॉल पोएम्स जिसको हम कहते हैं पट्टू पट्टू ठीक है पट्टु पट्टु, याद रखिएगा फिर से संगम लिटरेचर को ब्रॉडली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं एक होती है नरेटिव टेक्स्ट और दूसरी होती है डायडेक्टिक टेक्स्ट ठीक है समझ में आया और नरेटिव टेक्स्ट को हम एक्चुअली में मेलकांकू भी कहते हैं या फिर 18 मेजर वर्क्स तो कौन कौन से 18 मेजर वर्क्स सबसे पहले है आठ लॉन्ग पोएम जिसको हम कहते हैं एक्टूत हो और दस स्मॉल पोएम जिसको हम कहते हैं पट्टू पट्टू तो मेनली नरेटिव टेक्स्ट में क्या बताया गया है नरेटिव टेक्स्ट में मेनली ये बताया गया है कि किस प्रकार से हीरोज वॉर लड़ा करते थे और वॉर्स को बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई किया गया है ठीक है अब सिंपल सी बात है वॉर्स होंगे उसके बाद स्टेट्स फॉर्म होंगे तो यहाँ पर स्टेट फॉर्मेशन की बात भी की गई है ठीक है तो क्या बताया क्या बताया गया है हमारे एटी मेजर वर्क में कि देर वर वॉर्स ठीक है तो सिंपल सी बात है हीरोज विल भी देर तो उनकी पूजा भी होगी इवन आप देखोगे ना तो ये संगमेज में ना हीरोज की पूजा करने का ट्रेडिशन भी था नहीं जैसे भगवान की पूजा की जाती है वैसे हीरोज की पूजा की जाती थी जो वॉर हीरोज होते थे अब सिंपल सी बता है वॉर्स हो रहे हैं हीरोज निकल रहे थे तो अल्टीमेटली किंगडम्स भी तो फॉर्म होंगे ना तो यहां से आपको स्टेट की फॉर्मेशन भी देखने को मिलेगी ठीक है तो याद रखना नेरेटिव टेक्स्ट इट्टू टोगाई पट्टू पट्टू दीज आर एटीन मेजर वर्क और मेलकांकू ठीक है एंड दीज आर नेरेटिव इन नेचर और याद रखना ये इंपॉर्टेंट है जो बता रहा हूँ वाली स्लाइड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, है को लेकर जस्ट बिकॉज की देखना टेस्ट सीरीज बहुत सारे क्वेश्चन इसी स्लाइड से पूछेंगे ओके okay? इसके बाद दूसरे पार्ट में आती है डायरेक्टिक टेक्स्ट ठीक है जिसको आप कह सकते हैं किलकांकू या फिर एटीन माइनर वर्क ठीक है और इसमें सबसे फेमस वर्क जो है दैट इज बाय तिरुकुराल बहुत ही फेमस बुक है तिरुकुराल इवन काफी टाइम पहले न्यूज में भी थी ओके okay? और मेनली यहां पर क्या बताया गया है कोड ऑफ कंडक्ट फॉर सोसाइटी किंग्स मोरालिटी, फिलासफी इन सब के में डिस्कस किया गया है ठीक है कि लाइक कैसे आपको अपनी लाइफ जीनी चाहिए राजा का क्या कर्तव्य होता है एक सिटीजन का क्या कर्तव्य होता है क्या फिलासफ़ी है क्या मोरालिटी है क्या वैल्यूज़ हैं ये सब डायरेक्टेड टेक्स्ट में डिस्कस किया गया है और इसको कहते हैं एटीन माइनर वर्कस ठीक है समझ में आया तो आई थिंक इट इज वेल क्लियर ना अब देखो ऐसी बहुत सारी फेमस बुक्स हैं संगमेज की जो हम यहीं पर पढ़ेंगे मतलब दैट आई वोंट बी टीचिंग लिटरेचर बिकॉज संगमेज उनके बिना कंप्लीट ही नहीं हो सकता जैसे सबसे पहली इंपॉर्टेंट बुक आती है जिसका नाम है सिलापाधिकरम देखो ये क्या होता है कि इस बुक में लव अफेयर है किसका कोवलन का एंड माधवी का थोड़ा सा बता देता तो हूँ उन बुक्स के बारे में क्या होता है देखो क्या होता है कोवलन एंड जो कन्नगी है ये दोनों पति पत्नी थे ठीक है कोवलन एंड कन्नगी ओके okay, ये दोनों पति पत्नी थे और ये जो कोवलन था ना उस टाइम पे जो निधुन जलाये राजा थे उनके कोट में एक कोटिया था ठीक है और वहीं पर माधवी ना एक डांसर थी नर्तिका थी ठीक है और लाइक कोवलन वाज ऑलरेडी मैरिड टू कन्नगी बट दोनों के बीच में यहां पर माधवी और ये जो हमारा क्या नाम है इसका कोवलन इनके बीच में प्यार हो गया ठीक है और फिर लाइक प्यार हो गया तो फिर प्यार कुछ एक्टिविटीज में बदल गया और एक्टिविटीज से शी गॉट प्रेगनेंट ठीक है अब इससे लाइक कोलन थोड़ा सा डर गया कि अब क्या होगा मेरा ठीक है उस टाइम पर तो लाइक अबोशन भी नहीं हो सकता था सो so, फिर अल्टीमेटली उसने कन्नगी को सब कुछ सच सच बता दिया ठीक है एंड देन कन्नगी ने उसे माफ़ कर दिया अगर उसने ये प्रॉमिस किया कि मतलब वो शी विल जस्ट लव कन्नगी और दोबारा उसके पास लाइक माधवी के पास नहीं जाएगा ठीक है और फिर लाइक ये जाके कोवलन माधवी को बता देता कि मैं तुम्हारे बच्चे का लाइक बाप नहीं बन सकता हूँ और लाइक मुझसे गलती हो गई मुझे माफ़ कर दो तो इससे ना ये जो हमारी जो क्या नाम है इसका माधवी ना बहुत एंग्री हो जाती बहुत गुस्सा हो जाती है एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर रिवेंज ठीक है तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि उस टाइम पे एक केस हुआ था निधुन जलाई के घर में लाइक पूरे महल में कि उनका एक एंकलेट गुम गया था ठीक है और वो जो एंकलेट थे ना ऐसी सेम एंकलेट एक्चुअली कन्नगी के पास था और कन्नगी ने ना कोवलन को बेचने के लिए बोला था तो यहाँ पर वो उसे फंसा देती कि नहीं देखो ये एंकलेट तुम्हारा उसने चुराया है तो अल्टीमेटली तुम्हें सजा दे दो और फिर जो निधुंजलाय राजा है वो कोवैलन को बुलाता है और उसे अल्टीमेटली मरवा देता है और ये बात बता तो चलती तो 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 कन्नगी को कन्नगी सीधे वहाँ पर पहुँचती है और फिर अल्टीमेटली जो राजा है नृदुंजलाय उनको श्राप देती है उनका पूरा एम्पायर तहस नहस हो जाता है तो यहाँ से एक्चुअली एक पत्नी कल्ट की शुरुआत होती है मतलब जो कन्नगी है उसको एक आइडल पत्नी माने जाने लगता है ठीक है तो इसलिए अगर आप देखेंगे तो जैसे हमारे पास सावित्री बहुत फेमस है ना पत्नी कल्ट के लिए तो वैसे ही वहाँ पर कन्नगी बहुत फेमस हो गई कन्नगी के नाम पे ये जो चेरा किंग है उन्होंने इवन मै टेम्पल्स तक बनवाए ठीक है इनके बारे में हम पढ़ेंगे डोंट वरी तो ये थी पूरी सिल्पाधिक्रम ठीक है अब देखो मैंने बताया कि यहां पर जो माधवी थी शी गॉट प्रेगनेंट तो उसकी एक बेटी होती है ठीक है जिसका नाम था मनी मेकलाई ठीक है और ये जो मनी मेकलाई की लाइक जो बर्थ होती है सिंपल सी बात है कोई रिकॉर्गनाइज नहीं, नहीं करता है अब उसके लाइक माँ बाप सब ऑलरेडी ऊपर जा चुके रहते हैं तो अल्टीमेटली जो पूरा स्ट्रगल उसने किया अपनी लाइफ में ठीक है वो एक्चुअली एक मनी मेकलाई बुक में मेंशन है तो ये देखिए सिलाा के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक आती है मनी मेकलाई और इसमें इसी की पूरी स्टोरी कैसे इसने स्ट्रगल किया ठीक है और इस बुक को लिखा था मनी मेकलाई बुक को लिखा था सितलाई सटनार ने ठीक है और जो सिलापाधिकारम है उस बुक को लिखा था इलांगो एडिगल ने तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स ऑफ द संगम एज ठीक है अपार्ट फ्रॉम दी संगम लिटरेचर इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बुक आती है तोलका पी मैंने बताया था ये जो बुक है दैट बुक वॉज ओरिजिनेटेड इन सेकेंड संगम और मेनली इट इज़ अबाउट दी तामिल ग्रामर तो इसको याद रखना इसके बाद एक और फेमस बुक आती है एंड दिस आर डायरेक्टेड टेक्स दिस इज़ तिरुकुराल ठीक है और इस तिरुकुराल बुक को लिखा गया था तिरुवल्लुअर के द्वारा एंड ये बहुत ही फेमस सिज्स थे उस टाइम के ठीक है और इन्होंने मेनली यही बताया था कि वॉट इज लाइव वॉट इज वैल्यू वॉट इज फिर ऑन ऑल दोज थिंग्स ठीक है तो उसको याद रखना इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट बुक्स हैं जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जीवक चिंता मनी तो जीवक चिंतामणि जो बुक है इट वॉज एक्चुअली रिटन बाय तिरु तत्ता कातेवर बहुत मुश्किल है रीड करना है यार ठीक है और ये जो बुक है दैट इज जीवक चिंतामणि इसमें मेनली क्या लिखा है कि एक प्रिंस था ठीक है एंड ही वॉज अ परफेक्ट मास्टर ऑफ ऑल आर्ट्स परफेक्ट वॉरियर परफेक्ट परफेक्ट लवर एंड हैड न्यूमरस वाइफ तो ये सब उसके बारे में लिखा है ठीक है इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक आती है रिगार्डिंग Uh, कुंडल केसी जो कुंडल केसी बुक है ये एक्चुअली इट इज अ लव अफेयर ठीक है लव अफेयर बिटवीन अ बुद्धिस्ट क्रिमिनल एंड अ हिंदू गर्ल और यू कैन से द जैना गर्ल ठीक है उसके बाद आती है लास्ट में वलिया पट्टी ठीक है और याद रखिएगा इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट तामिल नैपक तमिल नैपक एवर रिटन इन द हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडियन हिस्ट्री ठीक है और इसमें मेनली क्या बताया गया है कि एक फादर था उसकी दो पत्नियाँ थी और लाइक उन्हीं के बीच का जो भी लाइक अफेयर लड़ाई एंड ऑल दोस्त हैं वो सब यहाँ पर मैंशन है ठीक है समझ में आया चलिए वेल एंड गुड सो नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द थ्री किंगडम्स अब देखो संगम एज का ये तो हमें पता चल गया कि इतनी फेमस बुक्स थी ये सब अब संगम एज मैंने आपको ये बताया कि भाई थ्री किंगडम्स के बारे में मेंशन था चोलास चेराद एन पांड्यास और उनकी राइवलरी के बारे में तो संगम एज क्या बोलती है इनकी राइवलरी और इनके डिस्क्रिप्शन के बारे में उसको हम समझने की कोशिश करते हैं ठीक है तो सबसे पहले और इम्पोर्टेंट किंगडम आता है दैट इज़ चोलास देखिए एक बहुत ही फेमस किंग थे जिनका नाम था एलारा इन्होंने क्या किया कि श्रीलंका पे अटैक किया उसको हथियाया ठीक है और कुछ पार्ट इनके पास इंडिया का था जैसे आप ये देखिए चोला ये दिस पार्ट मतलब शुरू शुरू में तो लाइक बहुत छोटा सा पार्ट था ठीक है ये पार्ट और एलारा ने क्या किया ये पार्ट था उनके पास और ये श्रीलंका को अपना पूरा हथिया लिया और इन्होंने दोनों को मिक्स करके चोला मंडलम की शुरुआत की तो मतलब जब शुरू शुरू में चोला मंडलम बना था तो श्रीलंका वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ चोला मंडलम ठीक है उसके बाद ये ज़्यादा नहीं मुश्किल से पचास सालों तक रूल कर पाते हैं श्रीलंका के ऊपर उसके बाद श्रीलंका गॉट इट्स इंडिपेंडेंस बट एटलीस्ट यहाँ पर जो चोला मंडलम है वो एक्सटेंड हो जाता है मतलब बढ़ जाता है ठीक है काफ़ी बड़ा इम्पायर हो जाता है इसके बाद अगले के इंपॉर्टेंट किंग आते हैं जिनका नाम था कारी काला ठीक है कारी काला का वैसे अगर आप देखेंगे कि नॉट फेमस फॉर हिज वॉर्स बट फेमस फॉर हिज गुड वेलफेयर वर्क जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सबसे पहली बात तो उन्होंने पुहार सिटी को स्टैब्लिश किया ठीक है और पुहार से लाइक बहुत ज़्यादा ट्रेड होता था ठीक है ट्रेड के लिए बहुत फेमस हो गया था पुहार उसके साथ ही साथ उन्होंने ना बहुत सारे इरिगेशन टैंक्स बनवाए जो कि क्या हेल्प करते थे सिंपल सी बात है एग्रीकल्चर को फॉरेस्ट लैंड को फर्टाइल बनाने के काम करते थे ठीक है तो ये कार्यकला के ये मेजर फेमस काम थे और संगा मेज में ना एक बहुत ही फेमस बैटल का नाम मेंशन है दैट इज़ बैटल ऑफ वेनी ये इंपॉर्टेंट है याद रखना बैटल ऑफ वेनी हो सकता है यूपी पूछ ले बैटल ऑफ वेनी इज रिलेटेड टू विच फॉलोइंग किंग तो बैटल ऑफ वेनी में क्या हुआ था कि चोलास को हराने के लिए बिकॉज चोलास की पावर बहुत ही टाइम पर बढ़ रही थी तो चोलास को हराने के लिए चेरास पांड्यास और कुछ इलेवन माइनर चीफ एक साइड में थे बट स्टिल हमारे जो चोलास थे उन्होंने हरा दिया था किनको इस पूरे कॉम्बो को ठीक है समझ में आया ओके और इनका जो कैपिटल था चोलास का शुरू शुरू में देखो ओरियर था बट इसके बाद जैसी पुहार सिटी बना दी जाती है किसके द्वारा कारीगाला के द्वारा सो दैट बिकेम द कैपिटल ऑफ द चोलास ठीक है और इनकी टेरिटरी मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ पेन्नार एंड वेला रिवर के बीच में लोकेटेड है देखो पेन्नार एंड दे वेला रिवर के बीच में लोकेटेड थी इनकी चोला टेरिटरी ठीक है और इनका एम्बलम टाइगर था याद रखना टाइगर एम्बलम याद रखना जरूरी है बिकॉज इसके बाद और भी जो किंगडम्स आने वाले उनके भी अपने खुद के अंबे है तो दैट इज़ इंपॉर्टेंट ओके और याद रखना मेजर साउथ इंडियन डायनेस्टीज़ के ट्रेड वही होंगे कि भाई ये लोग पोर्ट सिटीज़ होंगी तो अच्छा ट्रेड होता होगा किसी ना किसी किंगडम के साथ एंड दूसरा कि यहाँ पर एग्रीकल्चर भी फर्टाइल होगा और राइस इनकी फेवरेट क्रॉप होगी तो मोस्ट मोस्ट मतलब मोर और लेस हर किसी के साथ सेम ही होगा ओके तो बाद चोलस के बाद आते हैं हम पांड्यास पे देखिए पांड्यास के फेमस किंग थे निधुन जलाए जिनके बारे में मैंने आपको बताया और इन्हीं को हमारी जो कन्नगी है वो श्राप देती है और उनका एम्पायर पूरा तहस नहस हो जाता है और उस टाइप पर नेुज्जलाई के बारे में कहा जाता था कि लाइक उनका जो किंगडम ना बहुत प्रॉस्पेरस था लाइक बहुत ज़्यादा वेल्थ थी उनके पास बहुत ही ज़्यादा वेल्थ थी ठीक है और ये वेल्थ क्यों थी बिकॉज ही आर ट्रेड रिलेशन विथ रोमन्स और रोमन से आप ट्रेड कर तो सिंपल सी बात है बहुत पैसा आएगा और लाइक ये सब का जो मैंशन है ना वो काफ़ी इवन वेस्टर्न ने किया है और इंडियन ने किया जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक बुक है मदुराई कांजी ठीक है इसको एक्चुअली लिखा गया था मंगुड़ी मारू थनार के द्वारा तो इसमें बताया गया है कि कैसे लाइक like, उनका ट्रेड फ्लरिश कर रहा था कितनी अच्छी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन थी उस टाइम पे पांड्यास का टाइम पे ठीक है ये सब अच्छे से बताया गया और उसी के साथ अगर सा, आप देखें तो मेगास्तनीस है मेगास्तनीस ने भी सेम चीज़ का मैंशन किया कि लाइक like द पांड्यास वर क्वाइट रिच ओके इसके बाद इनका मेंशन आपको महाभारत एंड रामायण में भी देखने को मिलेगा समझ में आया और इनका जो कैपिटल दैट वाज मदुरई तो उसका तो लाइक याद करने का कोई डर ही नहीं है मदुरई वॉज द कैपिटल ऑफ द पांड्यास और इनकी टेरिटरी यू कैन सी कि साउथ ईस्टर्न मोस्ट एंड साउथ ईस्टर्न पोर्शन ऑफ पेनसुला कहाँ गया मैप ये देखो दिस रीजन ठीक है बिल्कुल साउथ ईस्टर्न साइड था मतलब मेनली ना पांड्यास ऑक्युपाइड द रीजन ऑफ तमिलनाडु मैं कह रहा हूं मोस्टली मतलब मेजर पार्ट तमिलनाडु का वॉज ऑक्युपाइड बाय पांड्या से यहीं सर आप देखो कि संगम की शुरुआत होती है तमिल की शुरुआत होती है तमिल लिटरेचर की शुरुआत होती है इसलिए यहां पर तमिलनाडु अभी भी एग्जिस्ट करता है ठीक है और इनका जो एम्बलम था याद रखना दैट वॉज कार्प मतलब फिश इसके बाद आते हैं द चेरास ठीक है अब चेरास के सबसे इंपॉर्टेंट किंग थे जिनका नाम था सेनगुटुवन ठीक है और जो सेनगुटुवन है एक्चुअली में इनको रेड चिरा भी कहा जाता था ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है याद रखना रेड चिरा भी सेंगू टवन को कहा जाता है इन्होंने क्या किया था लाइक like, बहुत ही ज़्यादा कॉन्कर्स किए थे इवन इन्होंने कुछ नॉर्थ इंडियन डायनेस्टीज को भी हराया था और उसके बाद जहाँ से लाइक like, वो गंगास तक पहुँच गए थे मतलब बंगाल के रीजन तक पहुँच गए थे हराते हराते और गंगास के पास से ना ही ब्रॉड सम मिट्टी ठीक है मिट्टी लेके आए थे और उसी से उन्होंने कन्नगी टेम्पल की लाइक नींव रखी थी फिर उसी के ऊपर लाइक कन्नगी टेम्पल बना था और एक्चुअली कन्नगी कल्ट और आप कह सकते हैं पथनी कल्ट चालू हुआ था ठीक है और इन्हीं के जो भाई है उन्होंने एक्चुअली सिलापादिक्रम लिखी थी और इसलिए आप देखोगे कि सिलापादी में काफ़ी मैंशन मिलता है सेंगू का ठीक है और अगर आप देखो सेंगू टोवन एज अ पर्सनैलिटी ना तो ही वॉज हाईली वर्चुअस एंड एथिकल पर्सन ठीक है बहुत ही वर्चुअस टाइप के पर्सन थे अपनी लाइफ में बहुत ही इज्जत से जीते थे और इनके कॉन्टेम्प्रेरी श्रीलंका किंग याद रखना गजबाहू थे गजबाहू फेमस किंग थे श्रीलंका के इसलिए उनको मैंशन करना जरूरी है कि ही वॉज कॉन्टेम्प्रेरी ऑफ गजबाहू ठीक है इसके बाद याद रखिएगा ये पहले किंग थे साउथ इंडिया से जिन्होंने चाइना की तरफ एम्बेसडर भेजे थे इसके बाद अगर आप देखोगे पल्लवास ने भेजे थे और पल्लवास के बारे में और बताऊंगा डोंट वरी तो अभी याद रखना पहले साउथ इंडियन किंग थे जिन्होंने चाइना की तरफ एम्बेसडर भेजे थे और इनकी टेरिटरी आप देख सकते हैं बिल्कुल वेस्ट एंड नॉर्थ ऑफ दिस पांड्यास ये देखो मेनली केरला रीजन ऑफ टुडे ठीक है उस टाइम पे एक्चुअली ना कर्नाटका लाइक कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता था ओके सिर्फ देर वर दिस पांड्यास तामिल डोमिनेटेड दिस चेरास एंड दि चोलास ठीक है समझ आया ओके ना तो आगे बढ़े यस लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इनका कैपिटल था वाजी और जिसको आप आज मालाबार कहते हैं और इनके इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट्स याद रखना यार टोंडी एंड मुजरी ठीक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपीएससी पहले ही पूछ चुका है हो सकता है दोबारा पूछे टोंडी एंड मुजरी ठीक है और इनका एम्बलम था बो एंड एरो पांड्या क्या का था कार्प फिश और चोलास का क्या था टाइगर इसलिए बोला हूँ याद रखना ओके वैसे अच्छा आपने वो मूवी देखी होगी ना देर वॉज अ मूवी जिसमें पांडे रूलर के बारे में मैंशन था तो उनका इवन जो सिंबल था दैट वॉज ऑल्सो टाइगर ठीक है आई डोट रिमेर द नेम ऑफ द मूवी बट आई थिंक आपने देखी होगी समझ ही होंगे अगर किसी ने देखी होगी तो ठीक है सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द संगम्स देखिए सिंपल सी बात है उस टाइम पर हेरिडटरी मोनाकी प्रैक्टिस होती थी मोनारकी मतलब राजा का राज हेरिटरी मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा ठीक है और इनको असिस्ट करने के लिए दरअर मिनिस्टर्स जिनको हम अमायचार बोलते हैं याद रखना बहुत मुश्किल होगा यहाँ से ठीक है इसके बाद अनंतनार थे जिनको हम प्रीस्ट बोलते हैं फिर दुतार थे मतलब एनवॉइस थे फिर इसके बाद सेना पटयार मतलब मिलिट्री कमांडर्स और लास्ट में स्पाइस ठीक है मतलब जासूस जिनको हम और बोलते हैं ठीक है समझ में आया ना चलो वेरी गुड इसके बाद जो उस टाइम पे राजा थे बहुत सारे टाइटल लेते थे जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कोमनन फिर वेंडान कोरावन या फिर रायवन ओके और हर किसी का अपना सिंबल था उस टाइम पे राजा का फॉर एग्जांपल मैंने आपको बता चुका हूँ टाइगर फॉर चोलास पांड्यास का कार्प एंड चेरास का बो एंड ठीक है समझ में आया ना तो ये मेन एडमिनिस्ट्रेशन था उनका और उस टाइम पे डिवीज़न कैसा था मतलब किस टाइप से लाइक like, किंगडम को डिवाइड किया गया था देखो ये जो सबसे पहली बात ना जो मान लो ये इनका किंगडम है किसी भी राजा का किंगडम किन्डोरी रहे है? तो इट वॉज डिवाइडेड इन डिवीजन जैसे अपने यहां नॉर्थ ईस्ट डिवीजन है ईस्ट डिवीजन है साउथ डिवीजन है, है फिर वेस्ट डिवीजन है उसी प्रकार से ना डिवीज़न हुआ करते थे सारे किंगडम्स के और इन डिवीजन को हम मंडलम्स बोलते थे क्या बोलते थे मंडलम्स ठीक है अब मंडलम्स के अंदर ये डिवीजन हो गए मंडलम्स के अंदर क्या हो गया प्रोविसेज जैसे आज देखो अगर आप बात करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न डिवीजन की तो नॉर्थ ईस्टर्न डिवीजन एक बड़ा सा डिवीजन है उसके अंदर जो आसाम है वो एक प्रोविंस है या फिर आप कह सकते हैं स्टेट है उसी प्रकार से मंडलम हो गया अब मंडलम के अंदर बहुत सारे प्रोविसेज होंगे ठीक है एक प्रोविंस दो प्रोविंस तीन प्रोविंस ऐसे बहुत सारे प्रोविसेज होते थे ठीक है अब जो प्रोविंसेस थे देवर डिवाइड इन टू टू पार्ट्स कौन कौन से आप जानते हैं एक्चुअली थ्री पार्ट्स नॉट टू पार्ट्स थ्री पार्ट्स एक होते थे टाउन्स जिसको अपन उर् बोलते थे यू आर उर् ठीक है उसके बाद आते थे, थे स्मॉल विलेजेस जिनको हम सिरूर बोलते थे ठीक है इसके बाद बिग विलेजेस जिनको हम पेरूर बोलते थे तो आई थिंक डिवीजन क्लियर हो गया मंडलम मतलब डिवीजन उसके बाद अंदर प्रोविंसेस होंगे प्रोविंसेस को हम बोलेंगे क्या नाडू मंडलम को प्रोविंस डिवीजन और इसके बाद तीन पार्ट्स होंगे किसी भी प्रोविंस के सबसे पहला आएगा बिग विलेज जिसको बोलते हैं पेरूर फिर आएगा स्मॉल विलेज जिसको बोलेंगे सिरूर और इसके बाद आएंगे टाउन जिसको हम बोलेंगे उर ठीक है तो आई थिंक एडमिनिस्ट्रेशन क्लियर हो गया ना इसके बाद उनका रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन वॉज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट तो जो उनका टैक्स कलेक्टर था ठीक है उनके टैक्स कलेक्टर को हम बोलते थे वरियार ठीक है इसके बाद बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स वाले अवेलेबल फॉर एग्जाम्पल कराई मतलब लैंड टैक्स इसके बाद उलगू मतलब कस्टम ड्यूटीज़ फिर इरावू एक्स्ट्रा डिमांड जो की जाती थी लोगों के द्वारा इसके बाद इराई जो फ्यूड्यूटरीज थे ना वो ट्रिब्यूट पे, पे करते थे राजा को तो दैट तो वाज कॉल्ड एज इराई और याद रखिएगा यहाँ पर ना टैक्स वाज नॉट दैट मच इस्टेब्लिश लाइक जैसे नॉर्थ इंडिया में इस्टेब्लिश हो गया था ना तो शुरू शुरू में यहाँ पर टैक्स लाइक कंपल्सरी पेमेंट आपको देनी है तभी रात चलनेगा ऐसा कुछ नहीं है मेली लाइक अटैक कर दिया जो भी मिला उसको लूट लिया थोड़ा बहुत लैंड रेवेन्यू मिल गया इस टाइप से चलाया करते थे ठीक है नाउ लेट अस कम टू दैट इकोनॉमी पार्ट मतलब रेगुलर टैक्सेशन वाज नॉट अवेलेबल मतलब ये था कि एक्चुअली ना आप कि हर बार टैक्स नहीं लेते लाइक फिक्स नहीं है कि इस साल में इसी दिन टैक्स लेंगे इस महीने में टैक्स लेंगे जब भी कमी पड़ी आके उठा के ले जाएंगे जितना ले जाना है इस टाइप से था कुछ ठीक है तो फिर बात करते हैं इकोनॉमी की तो इकोनॉमी आपको याद रखना है कि एग्रीकल्चर इनका चीफ मेजर ऑक्यूपेशन था ठीक है प्लस ट्रेड।, ट्रेड ट्रेड की बात करेंगे डोंट वरी और राइस यहाँ पर मेजर प्रोड्यूसिंग क्रॉप थी ओके okay? और इसके अलावा भी लोग और काम करते थे फॉर एग्जाम्पल देवर हंटर्स देवर फिशरमैन ठीक है और देवर पेस्टोरिस्ट ओके बट इनका जो ट्रेड था दैट वॉज क्वाइट फेमस तो ये सब उनकी आइटम ऑफ एक्सपोर्ट्स थे आप देख सकते हैं यहाँ पर आइटम ऑफ इम्पोर्ट्स थे अगर आप देखेंगे तो ये लोग बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ एक्सपोर्ट करते थे फॉर एग्जाम्पल ब्लैक पेपर हो गया टॉटॉयज हो गए फिर मेडिसिन हो गई एनिमल्स बर्ड्स ग्लास बीट्स पर्ल्स बहुत फेमस पर्ल्स बिकॉज भाई कोस्टल स्टेट और पर्ल्स तो मिलेंगी मैसलिन ठीक है और इन सब की डिमांड ना लाइक रोमन एम्पायर में बहुत ज़्यादा थी बिकॉज आप जानते हैं कि वो लोग बहुत ही ज़्यादा महंगी चीज़ें पहनना प्रेफर करते थे और उसके बदले में हमें वहाँ से क्या मिलता था गोल्ड एंड सिल्वर मेजरली गोल्ड एंड सिल्वर ठीक है उसके अलावा लाइक like, वाइन मिल जाती थी वहाँ से ऑलिव ऑयल ड्राई फ्रूट्स मिल जाते थे रॉक ग्लास आइवरी कॉपर टिन मेडिजिन स्लेव एंड ऑल दोज थिंग्स बट मेजरली गोल्ड एंड सिल्वर मिलते थे ठीक है और इसलिए ना लाइक पूरे लाइक संगम्स में लाइक तीनों किंगडम्स में सोने और चांदी की बिल्कुल भी कमी नहीं थी और ये चीज़ हम नहीं बोल रहे हैं यार ये चीज़ बोली जाती है पिल्निंग के द्वारा अपनी बुक नेचुरलिस्ट हिस्टोरिया में ठीक है लाइक बिकॉज यहाँ से बहुत ज़्यादा ड्रेन होता था लाइक रोमन एम्पायर से गोल्ड एंड सिल्वर टू द साउथ इंडियन किंगडम्स लाइक उन्होंने खुद मैंशन किया उसी प्रकार से टॉलमी एंड स्ट्राबो ने अपनी बुक जोग्राफिया एंड जोग्रफिका में मैंशन किया है कि यस रोमन एम्पायर है डेफिसिट ऑफ ट्रेड विथ द साउथ इंडियन किंगडम्स तो लाइक वी हैड अ लॉट ऑफ वेल्थ फ्रॉम दिस रोमन एम्पायर ठीक है इसके बाद जो मेजर फंडा था ना इनके ट्रेड का वो था डिस्कवरी ऑफ द मॉनसून वर्ड्स विच वॉज डन बाय हिपालोस ठीक है देखो होदा क्या था अगर जैसे मान लो ये इंडिया है ठीक है तो आप सभी जानते हैं जैसे ही लाइक समर्स आते हैं तो उस टाइम पे विंडस ना इस तरीके से काम करने लगती है ठीक है और लाइक जैसे ही लाइक विंटर्स आती हैं तो विंड्स इस तरह से काम करने लगती है तो क्या होता था कि समर्स के टाइम पे यहाँ से रोमन्स आया करते थे तो बहुत आसानी होती थी जस्ट बिकॉज विंड्स बहुत हेल्प करती थी और विंटर्स के टाइम पे लोग इस रूट के थ्रू चले जाया करते थे बिकॉज तो ऑफ विंड्स यहाँ पर होती थी तो इस प्रकार से लाइक ट्रेड बहुत ईजी हो गया था उस टाइम पे एंड दिस वॉज मोर और लेस अबाउट द ट्रेड एंड इकोनॉमी ऑफ द संगम एज इसके बाद लेट्स टॉक अबाउट दियर सोसाइटी ठीक है अगर हम उनकी सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी मेनली पेस्टोरल सोसाइटी थी ठीक है और बहुत सारी सोशल क्लासेस एग्जिस्टेड फॉर एग्जाम्पल तेरह रूलिंग क्लास जिसको हम अरासार बोलते थे फिर लोअर क्लास पीपल थे जिनको हम काडसियार बोलते थे फिर प्रीस्ट थे जिनको हम अंतनार्स बोलते थे फिर वेनिगर्स थे जिनको हम लाइक मर्चेंट्स ट्रेडर्स एंड कॉमर्स वाले बोलते थे फिर लास्ट में वेलानार थे जिनको एग्रीकल्चरिस्ट बोलते थे ये वर्ड याद नहीं होंगे याद मत करना और इवन यूपीएससी पूछेगा भी नहीं ठीक है बहुत कम चांसेस है जब पूछा तो यार आपकी बेकार किस्मत है मेरी नहीं ठीक है बाकी आई विल ऑल्सो गिव द एग्जाम तो अल्टीमेटली मेरी भी बेकार किस्मत हो जाएगी तो कोई परोजी नहीं मारेगा ठीक है इसके बाद और भी बहुत सारी सोशल क्लास थी तो प्लीज आर नॉट इंपॉर्टेंट हाँ मतलब याद भी नहीं होंगी कोशिश भी मत करना इसके बाद लेट्स टॉक अबाउट द पोजीन ऑफ वुमेन तो वैसे अगर आप देखें ना तो वुमेन की पोजीशन मोर और लेस बहुत ही अच्छी थी यहाँ पर इवन लव मैरिज बॉज अलाउड और इवन जो संगम असेंबलीज होती थी ना तो बहुत सारी वुमेन भी उसमें पार्ट लेती थी फॉर एग्जाम्पल अवैर बहुत ही फेमस वुमेन थी जिन्होंने संगम असेंबली में पार्ट लिया था लेकिन इफ़ योर हस्बैंड डाइज मतलब अगर आप वीडियो बन गए ना फिर तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी बिकॉज फिर तो आपको सती भी करना पड़ सकता है तो नॉर्मल अगर आप मैरिड वुमेन है या कुंवारी वुमेन है तो इट इज़ वेल एंड गुड ठीक है आपको लव मैरिज इज ऑल्सो भी अलाउड बट यू डोंट हैव टू बिकम अ विडो मतलब आपको इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपका हस्बैंड बरे ना वरना आपको सती करवा देंगे ठीक है तो यह पोजिशन ऑफ वुमन थी एंड लास्ट में लेट एसकू द रिलीजन ऑफ द संगम पीरियड सो अगर हम संगम पीरियड की रिलीजन की बात करें तो उनकी सबसे इम्पॉर्टेंट ड्यूटी थी जिनका नाम था मुर्गन और मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये लोग ना हीरोस्ट उनकी पूजा करते थे लाइक जो वॉर में लाइक बहुत अच्छा काम करते थे उनकी पूजा करते थे उनको कहते थे नदुकाल ठीक है तो दिस इज ऑल अबाउट द रिलीजन और उसके अलावा लाइक लैंड का डिवीजन है कि देर वॉज कुरिंजी लैंड मुलाई लैंड मरुदम लैंड नदर लैंड एंड फ्लाई लैंड तो कुरिंजी लैंड में क्या होता था कि मेनली हंटिंग प्रैक्टिस होती थी क्यों प्रैक्टिस होती थी बिकॉज बाई हिली ट्रैक्स थी वहाँ पर सिर्फ जानवर मिलते थे तो वहाँ के लोग हंटर रंग गैदर होंगे जैसे एग्ज़ाम्पल सर्बिया देख लो अभी वहाँ पर हंटिंग प्रैक्टिस होती है क्यों बिकॉज हिली लैंड है हार्श लैंड है ठीक है उसके बाद मुलाई आता है मुलाई में मेनली क्या होता है कैटल रियरिंग होती थी क्यों बिकॉज मुलाई मतलब वहाँ पर बहुत सारे लाइक घास अवेलेबल थी ना यार तो कैटल रियरिंग ही होगी उसके बाद मरुदम वहाँ पर बहुत फर्टाइल लैंड था तो वहाँ पर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होगी फिर नियादाल मतलब कोस्टल रीजन था सिंपल सी बात है वहाँ से फिशिंग और सोल्ट मैनुफैक्चरिंग होगी इसके बाद डेजर्ट मतलब पलाई वहाँ पर रॉबरी होगी बिकॉज वहाँ पर कुछ हो ही नहीं सकता है ठीक है सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी संगम पीरियड इसके बाद फाइन आर्ट्स वी वोंट डिस्कस इट यर ठीक है हम ये सब डिस्कस करेंगे कहाँ आर्ट एंड कल्चर के सेशन में सो विद दिस वी एंड द संगम एज एंड द क्वेश्चन कम्स वाई संगम एज एंडेड एंड हाउ इट एंडेड तो याद रखिएगा कि एक कालाबार नाम के रीजन रूलर थे उन्होंने पूरे जो भी संगम कंट्रीज इनको को ऑक्यूपाई कर लिया था कुछ सालों तक राज किया इसके बाद पांड्यास एंड पल्लवाज ने अपनी पावर दोबारा रीअट की और लोगों को बाहर निकाला और अल्टीमेटली अपने खुद के जम्पायसन को एस्टैब्लिश किया इस प्रकार से संगम एंड होती है और हमारे इंडिया में एम्पायर्स का राइज होता है पल्लवास, और so पल्लवास, और so guys, जैसा कि मैंने बताया था कि कालाबार को हटा के पल्लवास यूज एम्पायर इन साउथ इंडिया ओके अगर आप देखिए जो पल्लवाज है ना वो ऐसा नहीं था कि बिल्कुल एकदम से मर्ज हो गए कालाबाज को हराने के लिए जब चोलाज चेरास एंड पांड्याज एग्जिस्टेड ना तो उस टाइम पे भी पल्लवास वर वर्देयर बट लाइक वेरी स्मॉल किंगडम बहुत ही स्मॉल किंगडम ठीक है लाइक like, बहुत ही ज़रा सा रीजन होता था मुश्किल से एक स्टेट के बराबर का लाइक like एक डिस्ट्रिक्ट के बराबर का रीजन होता था ठीक है इसलिए अगर आप देखोगे ना तो इनका नाम आपको अशोका के इंस्क्रिप्शन में भी मिलेगा मतलब एट द टाइम ऑफ चोला चेरा पांड्या यू कैन से अबाउट दी संगम एच पीरियड दे एग्जिस्टेड बट उस टाइम पे उनका नाम ना पुलिंदाज हुआ करता था एंड दिस इज मैंशनड इन अशोकाज इंस्क्रिप्शन ओके और जब सतावाहाना डायनेस्टी चालू होती है मतलब मौर्यास का फॉल होता है और पोस्ट मौर्य पीरियड आता है तो आप सभी जानते हैं साउथ इंडिया वाज ऑक्यूपाइड मेनली बाय सतावाहनास ठीक है तो सतावाहनास के ये लोग ना फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे जैसे कि जो नेडार्ट स्टाक थे ये वो द फ्यूडल लॉर्ड दिस किंग रॉबर्ट उसी प्रकार से सता के फ्यूडल लॉर्ड हुआ करते थे हमारे पल्लवास ओके एंड देन फाइनली जैसे सतावाहनास अपने आप को लाइक हटा देते हैं फिर उसके बाद एंड में पल्लवास का मेजर राइज होता है ठीक है और इनका जो मेनली कैपिटल था दैट वॉज एक्चुअली कांची एंड ममलापुरम और यू कैन से महाबलीपुरम ओके और दिस इज द रीजन ऑफ पल्लवास एट देयर पीक ठीक है और मेनली अगर आप देखो दे ऑक्युपाइड द रीजन ऑफ तमिलनाडु एंड केरला ठीक है समझ में आया और पल्लवा के ही तरफ से बौद्धि धर्मन चाइना गए थे ठीक है और ये वही टाइम है एक्चुअली नंदी वर्मन का टाइम जब एक्चुअली चाइना ने क्या किया था हेल्प मांगी थी पल्लवा एम्पायर की आप कह सकते हैं एक, एक इंडियन एम्पायर की अगेंस्ट दी टिब्बेट एन एम्पायर जब चाइना डर गया था टिब्बट से तो आपको याद होगा जब हमारे यहाँ पर चेन्नई कनेक्ट की मीटिंग हुई थी ठीक है तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था ये सब इशू तो आई एम कनेक्टिंग इट हीयर अगेन ठीक है तो इनके जो सबसे पहले फेमस राजा थे जिनका नाम था महेंद्र वर्मन मन इनका वैसे अगर आप देखिए वॉर एंड ऑल में कुछ नाम नहीं था इनका जो मेजर नाम था ना दैट वॉज इन आर्ट एंड कल्चर ठीक है जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इनको बहुत सारे टाइटल्स दिए गए जैसे एग्जाम्पल के तौर पर विचित्र चित्र ठीक है माता विलासा चित्रकार पुली ठीक है ऐसे बहुत सारे नेम दिए गए हैं इसके बाद चेताकारी मतलब टेंपल मेकर ऐसे बहुत सारे नाम दिए गए हैं किनको महेंद्र वर्मन वन को इसके अलावा उनका बहुत ही ज़्यादा लाइक इंटरेस्ट था म्यूजिक में इसलिए अगर आप देखोगे एक इंस्क्रिप्शन है ठीक है उनके टेम्पल्स में जिसका नाम है कुदू मिया मलाई इसमें एज अ म्यूजिकर ही इज एस्क्राइबड मतलब बताया गया कि ही वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन ओके इसके अलावा ही ऑल्सो हैड अ इंटरेस्ट इन लिटरेचर तो उन्होंने एक बहुत ही फेमस ड्रामा लिखा था उस टाइम पर संस्कृत में दैट वॉज कॉल्ड एस माता विलासा परहासनम ठीक है तो आप देख सकते हैं लाइक इनका बहुत ही अच्छा रोल था आर्ट लिटरेचर ड्रामा कल्चर एंड ऑल दोस्त में बट ही वॉज नॉट अ ग्रेट किंग और ये हमें ऐसे पता चलता है बिकॉज ही वॉज डिफीटेड बाय दी चालुक्यन किंग पुलाकस्तीन टू और उन्होंने बहुत सारा एरिया जो था पल्लवास का कैप्चर कर लिया था देखो जब पल्लवास का राइज होता है ना उसी टाइम पे हमारे जो चालुक्यास डायनेस्टी थी उसका भी राइज होता है देखो मेनली कर्नाटका एंड महाराष्ट्र के रीजन में चालुक्यास का राइज होता है और पल्लवाज एंड चालुक्याज ना हमेशा लड़ते रहते थे एक दूसरे से कभी ये इनका एम्पायर ले रहे हैं कभी वो इनका एम्पायर ले रहे हैं और शुरू शुरू में जब पुलाखी सिंह टू आते हैं ना वो महेंद्र वर्मन को हरा देते हैं ठीक है और उनका बहुत सारा एरिया जो था वो अपने एम्पायर में मिला लेते हैं और याद रखिएगा जो चालुक्याज थे उनके कैपिटल का नाम था वातापी इसको हम बदामी भी बोलते हैं ठीक है समझ गए चलिए वेर एंड गुड इसके बाद महेंद्र वर्मन वन के बेटे आते हैं जिनका नाम था नरसिम्हा वर्मन वन ठीक है अब देखो आर्ट एंड कल्चर तो बहुत हो गया नरसिम्हा वर्मन ने बोला कि नहीं यार बहुत हो गया आर्ट एंड कल्चर नाउ लेट्स गेट सम टेरिटरी बैक सो ही फॉट अ बैटल ऑफ मनी मंगलम विथ हुम पुला की सीन टू बहुत ही फेमस किंग जिन्होंने हर्षा को भी हराया था ठीक है एंड पुला की सीन टू ने एक्चुअली महेंद्र वर्मन वर को भी हराया था ठीक है और फाइनली अगेन हेयर अ बैटल विथ हुम नरसिम्हा वर्मन वन एंड दिस टाइम एक्चुअली कुछ उल्टा हो गया एंड जो हमारे पुला के सीन टूटे वो हार जाते हैं ठीक है और उसके बाद जो नरसिम्हा वर्मन वन है वो उनके कैपिटल वातापी पे घुसते हैं और पूरी तरीके से कैपिटल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं एंड ही टुक द टाइटल ऑफ वातापी कौंडा ठीक है दूसरा बैटल जो आपको साउथ इंडिया में याद रखना है बैटल ऑफ मनी मंगलम पहला कौन सा था बैटल ऑफ वनी ओके और इसके बाद ही अगर आप देखें तो हमारे जो नरसिम्हा वर्मन वन है वो ममल्ला का टाइटल लेते हैं ठीक है और ममलापुरम सिटी की स्टैब्लिशमेंट करते हैं ममलापुरम सिटी को भी हम महाबलीपुरम कहते हैं ठीक है याद रखिएगा मामलापुरम या महाबलीपुरम वन महा और द सेम थिंग और यहाँ पर पहली बार वो मोनोलिथिक रथ बनाते हैं देखो हुआ क्या था एक्चुअली कि शुरू शुरू में जो हमारे महेंद्र वर्मन वन ने जो टेम्पल्स बनवाए थे ना वो क्या किया गया था गुफा थे एक तरीके से मतलब चट्टान है उसको खोद के अच्छे से मंदिर टाइप बना दिए और नरसिम्हा वर्मन वन ने क्या किया जो गुफा थी उसको ऊपर से भी कटवा दिया मतलब इन शॉर्ट अब दिखाई दे रहा है कि हाँ ये लाइक इट इज़ अ टेम्पल मतलब गुफा के अंदर नहीं था गुफा का पूरा पार्ट हट गया अलग से मनुरुथिक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा था इस टाइप का कुछ ठीक है समझ में आया चलो चलो वैनकोट अब इसके बाद उन्होंने बहुत ही अच्छा नेवल एक्सपेडिशन लिया था श्रीलंका की तरफ उनको हराने के लिए नहीं यार उनके एक दोस्त थे मानवरमन ठीक है उनके खिलाफ लाइक प्रोटेस्ट एंड ऑल हो रहे थे तो उसको रोकने के लिए ही सेंट अ नेवी और इसके बाद यून संग ऑल्सो विजिटेड कैपिटल कांची ओके तो इसको ध्यान रखना इसके बाद इनके सौपुत्र आते हैं नरसिम्हा वर्मन टू अब देखिए इनको लाइक लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी थी बिकॉज उस टाइम पे चालो क्याज वर्ट डिस्ट्रॉयड ये लोग अपनी पावर के पीक में आ चुके थे बट इनका बहुत बड़ा रोल है हमारे महाबलीपुरम में वहां पर उन्होंने शोर टेम्पल बनवाया था बहुत ही फेमस है बहुत ही सुंदर है शोर टेम्पल इसके साथ ही साथ कैलाशनाथ नाथ टेम्पल भी बिल्ड करवाया था इसको भैया आपको कन्फ्यूज़ नहीं करना है हमारे एलोरा वाले इस कैलाशनाथ टेम्पल से दैट वॉज बिल्ड बाय कृष्णा जिसको हम राजकोटास में पढ़ने वाले हैं ठीक है तो ही बिल्ट टू मेजर टेम्पल्स वन इज शोर टेम्पल वन इज़ कैलाशनाथ टेम्पल ठीक है इसके साथ ही साथ इनका दूसरा नाम था राजसमा इनके पिताजी का नाम था ममलाम इनका दूसरा नाम था राजसमा और बहुत सारे टाइटल्स लिए थे फॉर एग्जाम्पल शंकर भक्त फिर अगम तो ये सब इंपॉर्टेंट टाइटल्स हैं याद रखना उसके अलावा इनके कोर्ट में ना एक बहुत ही फेमस लाइक आप कह सकते हैं लिटरेचर टाइप के पोएट टाइप के बंदे थे जिनका नाम था पेरुंद वानर इन्होंने क्या किया था जो एक्चुअल महाभारत थी ना उसको तामिल में ट्रांसलेट किया था ठीक है और उसको नाम दिया गया था भारत वेनबा तो आप देखिए उसी टाइम पे हमारे यहाँ पर पूरी इंडिया जो एज आ इंडियन की फीलिंग थी ना भारत होने की वो पहले से एग्जिस्ट करती थी ठीक है इसके साथ ही साथ मैंने आपको बताया इन्हीं के रेन में चाइना की तरफ हमने एम्बेसीज भेजी थी बौद्ध ही धर्मवंद थे फिलहाल एक चाइना ने हेल्प भी मांगी थी एंड ऑल दो थिंग वॉल देयर ठीक है और एक बहुत ही फेमस उस टाइम पे संस्कृत स्कॉलर हुआ करते थे जिनका नाम था डेंडिन वो भी इनके राज में और इनके एक कोटिया थे ठीक है और फिर फाइनली चोला किंग आदित्य वन आते हैं आपने सुना होगा इंपीरियल चोलास के बारे में जिनका दोबारा राइज होता है टेंथ एलेवन्थ सेंचुरी ए के आसपास तो वो क्या करते हैं जितने भी छोटे छोटे किंगडम थे भले वो पल्लवाज हो चाहे फिर राजकोटास भी है सबको हरा दिया था और अपनी खुद की लाइक चोला मंडलम स्टेब्लिश किया था ठीक है तो याद रखना वो चोला किंग का नाम था आदित्य वन और जो लास्ट पल्लवा रूलर थे उनका नाम था अपरजीत ओके समझ में आया तो यहाँ पर हमारा हो जाता है पल्लवास ख़त्म अब आते हैं पल्लवास के एडमिनिस्ट्रेशन में तो देखना भाई पहले ही बताया था एग्रीकल्चर बहुत फेमस होगा राइस फेवरेट क्रॉप होगी एंड सी ट्रेड बहुत चलेगा या फिर सी से बहुत सारी चीज़ कलेक्ट करके बाहर बेचेंगे तो यही इनका सबका हंडा सबका फंडा था इसके बाद यार ना कि जो पल्लवास थे देवरना मेनली ब्राह्मण्स को बहुत सपोर्ट करते थे तो उस टाइम पे ना ब्राह्मण्स को बहुत ग्रांट दी जाती थी और ब्राह्मण्स को दी जाने वाली ग्रांट को हम ब्रह्मदेय बोलते हैं ठीक है अब हम इनका डिवीजन देख लेते हैं कैसा था इनका डिवीजन ये बहुत इंपॉर्टेंट है हो सकता है यूपीएससी पूछ ले तो देखो कैसा डिवीजन था इनका सबसे पहले ग्रुप ऑफ स्मॉल विलेजेस ये देखो ये हमारे कहाँ गया पेन दिस इज़ ये स्मॉल विलेजेस हैं ग्रुप है ऑफ़ स्मॉल विलेजेस इन ग्रुप ऑफ़ स्मॉल विलेजेस को हम नाडू बोलते हैं ठीक है और जब आप ऐसे बहुत सारे ग्रुप ऑफ स्मॉल विलेजेस को मिला लो तो उसको हम नगरम बोलते हैं सुनते जाना ठीक है जैसे बता रहा हूँ वैसे ही दखना ग्रुप ऑफ स्मॉल विजेज इसको हम नाडू बोलते हैं इसके बाद बहुत सारे विजेज़ को मिला लें उनको हम नगरम बोलते हैं फिर इसके बाद बहुत सारे नगरम को मिला लें ऐसे बहुत सारे नगरम होंगे ठीक है जिनके अंदर बहुत सारे ग्रुप ऑफ विजेस होंगे इनको फिर हम साथ मिला के मंडलम बोलेंगे ठीक है फिर ऐसे बहुत सारे मंडलम होंगे ठीक है और इन सारे मंडलम को मिला के हम क्या बोलेंगे कोट्टम बोलेंगे मतलब फुल किंगडम मतलब ये दिस इज पूरा कोट्टम समझ में आया इसको ऐसे याद रखना अदरवाइज ना हर किसी के अपने अपने डिवीजन है याद नहीं हो पाएंगे तो जो जैसे बता रहा हूँ वैसे ही याद रखना ग्रुप ऑफ विलेजेस आर कॉल्ड एज नाडू ठीक है फिर नाडू का कॉम्बो कर लो तो मैं नगरम नगरम काम लाइक कॉम्बो कर लो तो इट विल बी मंडलम मंडलम का कॉम्बो कर लो तो इट इज़ कोट्टम ठीक है समझ में आया ना चलिए वेर एंड गुड इसके बाद ना देवर डिसेंट्रलाइज एम्पायर जिनकी जो चर्चाएँ थीं वो हमारे मोदी जी ने पार्लियामेंट के अनोग्रेशन में भी की थी कि दो टाइप की असेंबलीज होती थी एक असेम्बली को हम सभा बोलते थे और दूसरी को उर् बोलते थे ठीक है सभा जो थी मेनली ना वो ब्रह्मिन्स की असेंबली थी और जो उर् थे इट वॉज मेनली देंबली ऑफ नॉन ब्रह्मिन्स और इनके काम क्या होते है भाई इिगेशन देखना एग्रीकल्चर देखना रोड देखना टेम्पल देखना तो लाइक मोर और लेस ना डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था राजा ऊपर से बस कमांड करता था नीचे जो काम था वो लोग अपने अपने में निपटा लिया करते थे और इनकी एक बहुत ही अच्छी ट्रेंड आर्मी भी थी वेल ट्रेंड आर्मी वॉज ऑल्सो दिया ठीक है तो ये हो गया उनका एडमिनिस्ट्रेशन अब आते हैं इनकी सोसाइटी एंड रिलीजन में तो भाई चार फोल्ड डिवीजन देखने को मिलता है इस टाइम पे हमें इनके यहाँ पर ओके और मेनली ये लोग ना ब्रह्मिंस को ही सपोर्ट करते थे ब्रह्मिंस यहाँ पर डोमिनेट करता था और ब्राह्मण्स भी से एक टाइप का ब्राह्मण नहीं यहाँ पर ब्राह्मण्स व डिवाइड इन टू पार्ट्स ठीक है एक थे नया और दूसरे थे अलवार्स जो अलवार्स थे दे वर सपोर्टर ऑफ शिवा ठीक है शिवा को मानते थे और जो नया रार थे दे एक्चुअली सपोर्टेड दी ओ सॉरी सॉरी गलती हो गई जो नया नार्स थे वर सपोर्टर ऑफ विष्णु सॉरी शिवा एंड जो हमारे अलवार्स थे देव आर एक्चुअली सपोर्टर ऑफ वैष्णवा फिर से बोलता हूँ लास्ट टाइम सॉरी फॉर द मिस्टेक जो ब्राह्मंस थे देवर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स एक थे हमारे नयनार्स जिनको हम शिवा के फॉलोवर बोलते हैं और दूसरे थे अलवार जिनको हम विष्णु के फॉलोवर बोलते हैं नयन से याद रखना शिवा मतलब उनके त्रिवेण है ना तो नयन मतलब शिवा इस तरह से याद रखना ठीक है तो दस ऑल अबाउट द सोसाइटी एंड रिलीजन ऑफ दल्लवास और याद रखना इनके टाइम पे जैनिज्म एंड बुद्धिज़म का डिक्लाइन देखने को मिलता है बिकॉज दे सपोर्टेड ब्रह्मनिज़्मीली ठीक है समझ में आया चलो अब देखो लिटरेचर आर्ट एंड आर्किटेक्चर वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस हियर बिकॉज हमें दोबारा डिस्कस करना ही पड़ेगा कहाँ पर यू नो आर्ट एंड कल्चर में तो क्यों ना अभी टाइम वेस्ट करें? और वहाँ पर मैंने बताया ना स्टोरी के फॉर्म में बताऊँगा लाइक कनेक्टिविटी करके दिखाऊँगा तो वहाँ पर डिस्कस करना ज़्यादा अच्छा रहेगा अभी लाइक अभी टुकड़ो टुकड़ों में पढ़ लो कुछ कनेक्टिविटी नहीं आएगी क्या मतलब होगा वहाँ पर अच्छे से पढ़ेंगे अपन उसके बाद आते हैं हमारे वतापी ठीक है और इनकी जो स्टेब्लिशमेंट थी दैट वॉज डन बाय पुला की सीन वन ठीक है और इनका रीजन मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ लेट मी शो इट अगेन ये देखो और ये ना एक्चुअली पुला की सीन टू के टाइम का रीजन आप देखो कितने लाइक like, पावरफुल थे ये लोग पूरा कर्नाटकन के अंडर में था और पल्लवास की तो देखो यार मतलब कितना कुछ लोग ने ऑक्यूपाई कर लिया था पल्लवास का यहाँ का जो पूरा रीजन था पल्लवास का दैट वॉज एक्चुअली ऑक्युपाइड बाय चलो क्या और ये महेंद्र वर्मन वन के टाइम का नाप है ये और दिस बिलोंग्स टू पुलाके सीन टू जब वो लाइक अपने पावर के पीक पे थे ठीक है तो पहले कहेंगे उनके कौन थे पुलाके सीन वन तो लाइक बहुत छोटा एम्पायर था और याद रखना चालू इज ऑल अबाउट दी आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड दी स्ट्रगल विद द पल्लवास ठीक है फिर इनके बाद इनके बहुत ही फेमस किंग आते हैं जिनका नाम था पुलाके सीन टू उन्हीं के ऊपर डेडिकेटेड है हमारा ए हॉल इंस्क्रिप्शन ठीक है एहोल इंस्क्रिप्शन में ही लिखा था कि ही डिफीटेड हुम हर्षवर्धन ओके और जो एहोल इंस्क्रिप्शन है दैट वाज एक्चुअली रिटन बाय हिज कोर्ट पोएट जिनका नाम था रवि कीर्ति बहुत ही फेमस कोर्ट पोएट थे उनके तो इनके द्वारा लिखा गया था और यहाँ पर बहुत ही डिटेल में बताया गया है कि लाइक like, किस प्रकार से उन्होंने डिफीट किया एंड ऑल थिंग तो ये सब आपको देखने को मिलेगा इसके अलावा और भी डिफीटेड किंग्स की बात की गई है इस एग्जाम्पल के तौर पर कदमबास फिर गैंगिस ऑफ माइसोर ठीक है इन सब के ऊपर भी उन्होंने अपना सुजनिटी एक्सेप्ट की थी इसके बाद पुलाके सीन टू आप सभी जानते हैं शुरू शुरू की फ़ाइट में किनको हराते हैं नरसिम्हा वर्मन उनको उसके बाद उनके सुपुत्र सॉरी शुरू शुरू की फाइट में वो हराते हैं महेंद्र वर्मन को उसके बाद उनके जो सुपुत्र रहते हैं नरसिम्हा वर्मन वन वो पुलाके सीन टू को हरा के व तापी कौंडा का टाइटल लेके चालोक्यास की हालत खराब कर देते हैं ठीक है और याद रखिएगा जो पुलाक सिन टू थे उन्होंने अपना एक अम्बेजेडर भेजा था पर्शियन किंग के कोर्ट पे जिनका नाम था खुसराव ठीक है और फिर फाइनली लाइक लास्ट रूलर हमें देखने को मिलते हैं इनके चालुक्यास के जिनका नाम था कीर्ति वर्मन टू और फाइनली फिर कीर्ति वर्मन टू को कौन हरा देते हैं दंती दुर्ग दंती दुर्ग इनको हरा के अपने राजकोटा एम्पायर की स्टैब्लिशमेंट करते हैं ओके और याद रखिएगा जो पुलाक सिन का रेन है इन्हीं के रेन ने एक्चुअली यूनसांग विजिटेड इंडिया ओके okay. समझ में आया ना चलिए वेल एंड गुड अब इनका भी थोड़ा बहुत एडमिनिस्ट्रेशन समझ लेते हैं तो याद रखना ये जो हमारे पल्लवाज एंड राजकोट थे ना इन्होंने बहुत ही डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन लेके रखा था लेकिन जो हमारे चालुक्यास थे ना उनका जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन था ना दैट वॉज हाईली सेंट्रलाइज ठीक है मतलब विलेज के पास कुछ खास पावर नहीं थी जैसा ऊपर बोलते थे वैसे ही होता था और इवन अगर आप देखेंगे ना तो इनके पास कोई खास वेल ऑर्गेनाइज आर्मी भी नहीं थी बट उनकी जो नेवल फोर्स थी ना दैट वॉज वेरी वेरी पावरफुल ओके एंड वैसे ने सोचा कि लाइक उनके आजूबाजू सब लोग डिसेंट्रलाइज्ड एम्पायर रख रहे हैं बट हमारे चालू क्या सेंट्रलाइज क्यों रख रहे हैं देखो रीज़न वाज वेरी सिंपल किन के पास जो टेरिटरी थी ना दैट बिलोंग टू द कर्नाटका और कर्नाटका में ना लाइक इतनी फर्टिलिटी नहीं है सॉइल की बिकॉज वो रेन शेडो रीजन है किसका वेस्टर्न हिमालयस का तो वहाँ पर लैंड फर्टाइल नहीं होती है और उस टाइम पर भाई फैक्ट्रीज तो थी नहीं कि वो लोग नीचे से सब कुछ निकाल के कुछ आयरन एंड ऑल बनाए ठीक है सो so अल्टीमेटली उनके पास ना बहुत ही कम चीज़ें होती थी पैसे कमाने की तो जब लाइक पैसे नहीं होंगे तो डिसेंट्राइजेशन कैसे होगा ये कॉन्सेप्ट है जो मैंने शुरू में बताया था कि भाई जैसे ही इंसान के पास पैसे होंगे लेजर होगा तो खुद डिमांड करेंगे कि भैया हमें थोड़ा बहुत पावर चाहिए हमें भी अपने आप को रूल करना है तो ये सब हमें देखने को नहीं मिलता चालू क्या में उसकी जगह ना दे मेनली रिलायड ऑन ट्रेड एंड कॉमर्स कि एक्चुअली जो अरब ट्रेडर्स थे वो आते थे यहाँ पर और यहाँ से बहुत सारी चीज़ ले जाया करते थे लाइक फॉर एग्जाम्पल कुछ रॉ मटेरियल हो गया फिर सी से जो भी चीज़ें मिली तो यहाँ पर एग्रीकल्चर वॉज नॉट अ मेजर प्रैक्टिस मेनली द ट्रेड एंड कॉमर्स होता था जो भी इन लोग को चिलता था वो सब लोग उठा के ले जाया करते थे मतलब ट्रेड करके ले जाया करते थे और ना अगर इनके पास अगर और कमी पड़ रही है पैसों की तो फिर उन लोग क्या किया करते थे आजू बाजू की टेरिटरी में ना इन्वेजन किया करते थे और जहाँ से जितनी भी वेल्थ निकलती थी वो सब अपनी वेल्थ में शामिल कर लिया करते थे तो इस टाइप से चालोक्यस का का काम चलता था एंड अगर हम बात करें इनके रिलीजन की सो दे मेनली प्रैक्टिस ब्रह्मनिज्म जस्ट लाइक दी पल्लवास ठीक है उस टाइम पे पूरे साउथ इंडिया में ना ब्राह्मनिज्म बहुत राइज में था और इवन जो हमारे पुला के सीन वन है उन्होंने तो अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे सेक्रीफाइस भी करवाए थे वैदिक रिचुअल्स करवाए थे ठीक है बट ऐसा नहीं है कि लाइक जो पल्लवास थे ना वो इंटेंशनली अगर आप देखोगे कि लाइक उनको सप्रेस कर रहे थे बाकी रिलीजन को प्रमोट होने नहीं दे रहे थे दे वर प्रमोटिंग ब्राह्मिज्म बट वेयर एस हमारे चालुक्यास थे ना दे वर क्वाइट टॉलरेंट और दे वर नॉट इंटरफेयरिंग इन द दिस बुद्धिज्म एंड जैनिज्म रिलीजन इसलिए अगर आप देखोगे तो जैनिज्म का प्रोग्रेस भी हुआ है ठीक है दो मतलब बुद्धिज्म का उतना प्रोग्रेस देखने को नहीं मिलता हमें चालुक्यास के टाइम पे बट जैनिज्म का अच्छा प्रोग्रेस था ओके एंड दिस इज ऑल अबाउट द सोशल लाइफ एंड रिलीजन ऑफ द चालुक्यास एंड आर्ट एंड लिटरेचर वी वोट डिस्कस इट यर बट याद रखना कि चालुक्यास व नोन फॉर बिल्डिंग वेसारा स्टाइल ऑफ टेम्पल मतलब वो लो लोग क्या किया करते थे कि जो नॉर्थ इंडिया में फेमस टेम्पल है जो साउथ इंडिया में फेमस टेम्पल है उनका आर्किटेक्चर मिक्स करते थे और अपना नया टेम्पल बनाते थे दैट इज कॉल्ड एज वेजारा स्टाइल ऑफ टेम्पल विच यू डिस्कस इन आर्ट एंड कल्चर डोंट वरी ओके सो नाउ लेट्स कम टू द लास्ट किंगडम ऑफ साउथ इंडिया दैट इज कॉल्ड एज रास्कोटास ठीक है एंड अब देखो अभी तक आपने देखा कि आंध्रा का राइज हो रहा है ठीक है आंध्र प्रदेश का मतलब तमिलनाडु का राइज हो रहा है केरला का राइज हो रहा है बट वॉट अबाउट द कर्नाटका एक्चुअली राजकोटास ने कर्नाटका को पीक पे लाया यहीं से आप कह सकते हो कर्नाटका और कन्नड़ की अच्छे से शुरुआत होती है ठीक है तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो दंती दुर्ग थे उन्होंने क्या किया कीर्ति वर्मन टू को हराया और अपनी खुद की राजकोटा डायनेस्टी स्टैब्लिश की एंड दिस राजकोटास हैड अ कन्नड़ ओरिजिन ठीक है कन्नड और कन्नड़ लैंग्वेज इनकी मदर टंग थी और यहीं से आप देखोगे कन्नड़ का ना राइज होता है साउथ इंडियन हिस्ट्री में इसके बाद इनके इंपॉर्टेंट किंग आते हैं कृष्णा और जो कृष्णा है ना इन्होंने ही एलोरा का जो कैलाशनाथ टेम्पल है उसको बिल्ड करवाया था आप जो टेम्पल देख रहे हो ना कैलाश टेम्पल ये सिंगल स्टोन से बनाया मतलब बड़ा सा पत्थर था चट्टान थी उसको काट काट के इस टेम्पल को बनाया अगर आपने अभी तक नहीं सुना ना इस टेम्पल के बारे में सो लाइक जब मैं इसकी फीचर्स बताने वाला आर्ट एंड कल्चर में आप ना उमीद हो जाओगे कि भाई बंदे ने क्या किया मतलब कैसे कारीगर रहेंगे उस टाइम पे ठीक है उसके बाद उनके इंपॉर्टेंट किंग आते हैं अगले जिनका नाम है गोविंदा थी और इन्होंने ना काफी नॉर्थ इंडियन किंगडम में विक्ट्री हासिल की थी नॉट मोर देन दैट इज रिक्वायर्ड उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट किंग आते हैं अमोघ वर्षा अब अम मैं क्यों उनको इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ जस्ट बिकॉज मैंने बताया राजकोटाज आर नोन फॉर प्रमोटिंग द कन्नड़ लिटरेचर कन्नड़ कल्चर एंड द कन्नड़ लैंग्वेज तो इनका बहुत बड़ा रोल था एक्चुअली कन्नड़ लैंग्वेज में और इनको इसलिए कविराज मार्ग भी कहा जाता था ठीक है एक फेमस बंदे थे जीना सेन वो भी इन्हीं के कोर्ट में थे एंड इसके बाद इन्होंने राजकोटा कैपिटल मालखेड़ को ना अच्छा ब्यूटीफाई भी किया था और कंस्ट्रक्ट भी करवाया था ओके okay, तो मेनली ही इज़ नोन फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द कन्नड़ लैंग्वेज एंड कन्नड़ लिटरेचर अमोघ वर्षा नाम याद रखना यूपीएससी ने एक बार पूछा था इसलिए बोल रहा हूँ अमोगो वर्षा नाम याद रखना इसके बाद इनके फाइनल सबसे प्राइम किंग आते हैं जिनका नाम था कृष्णा थ्री एंड ही इज नॉन एंड ही इज़ नोन फॉर वॉर्स एंड मिलिट्री कॉन्केस्ट तो सबसे पहली बात तो इन्होंने जो चोलास थे उनको हराया था उस टाइम पे तो चोलास छोटे से रीजन में बचे थे उनको हराया था और उनका जो कैपिटल तंजौर उसके ऊपर कब्जा कर लिया था इसके अलावा इन्होंने जो रामेश्वरम रीजन है उसके ऊपर भी कब्जा किया था और वहाँ पर बहुत सारे टेम्पल्स भी बनवाए थे और आफ्टर हिज डेथ एक्चुअली राजकोटास डिक्लाइन एंड ही इज़ नोन फॉर हिज वॉर एंड कॉन्ग्रेस याद रखिएगा ठीक है आंस इज द रीजन ऑफ चालुक्या सी यूज रीजन दे हैड मतलब यहाँ पर सॉरी नॉट चालुक्या एक्चुअली राजकोटास तो यहाँ पर चालुक्यास ने कर्नाटका में उनको हराया इनके बाद यहाँ पर अपने को इस्टेब्लिश किया और इवन ना ये नॉर्थ इंडिया तक एक्सपेंडेड थे देखो मैंने बताया था ना कि यहां पर कृष्णा थ्री के राज में लाइक अपनी पावर के पीक पे पहुंच गए और जो राजकोटास थे ना दे ऑल्सो हैड अ राइवलरी विद गुजारा प्रतिहारा रूलर्स जिनके बारे में हम मेडाइवल इंडिया में पढ़ने वाले हैं ठीक है तो उनका रिजनि खत्म नहीं होगा राजकोटास हैड अ कॉन्फ्लिक्ट विद दिस गुजारा प्रतिहारा यहाँ पर यह एम्पायर था और ये लोग ना मेनली कन्नौज के लिए लड़ते रहते थे पता नहीं कन्नौज में ऐसा क्या था तो हम मेडावल एरा में देखने वाले हैं टोटपरी तो कन्नौज के लिए गुजारा प्रतिहारा लड़ रहे हैं राजकोटास लड़ रहे हैं पालाज लड़ रहे हैं सब लोग लगे हुए थे करना चाहिए करना चाहिए करना चाहिए ठीक है तो याद रखना चीज़ को इसको हम अच्छे से मैटाव इंडिया में कंप्लीट करेंगे फिर इसके बाद लेट्स टॉक अबाउट देर एडमिनिस्ट्रेशन सो दे ऑल्सो फॉलो द डिसट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है अब देखो इनके जो ग्रुप ऑफ विलेजेस थे उनको भुक्ति बोलते थे भुक्ति आपने कहीं और वर्ड भी सुना है जी हाँ गुप्ताज अपने प्रोविंसेस को भुक्ति बोलते थे अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है आपने ठीक है गुप्ताज अपने प्रोविंसेस को भुक्ति बोलते थे वेयर एस ये जो हमारे राजकोटास हैं अपने ग्रुप ऑफ विलेज इसको भुगतीज बोलते थे और भुक्ति के हेड कौन होते थे भोगपति ठीक है भोगपति देखो यहाँ पर फिर इसके बाद जो ग्रुप ऑफ भुक्ति थे उसको बोला जाता था विश्यास ठीक है और उसका हेड था विश्यपति फिर इसके बाद जो ग्रुप ऑफ विश्यास थे ठीक है मतलब बहुत सारे प्रोविंसेस तो उनको बोला जाता राष्ट्र और उनके हेड थे राष्ट्रपति ठीक है डिवीजन तो क्या था राष्ट्र फिर नीचे आएगा विष्या फिर आएगा भोग मतलब सॉरी भुक्ति ठीक है भुक्ति को ऐड करेंगे भोगपति विष्या को ऐड करेंगे विश्वपति राष्ट्र को ऐड करेंगे राष्ट्रपति और भुक्ति याद रखना ये गुप्ताज अपने प्रोविंसेस को बोलते थे तो इस डेस्टिनेशन को याद रखना अगर यूपीएससी कुछ घुमाए फिर आप क्वेश्चन पूछ ले तो आप टिकप कर पाओगे उसको ठीक है समझ में आया ना चलो और फिर लाइक सेम विलेज एडमिनिस्ट्रेशन काफी लाइक डिसेंट्रलाइज था वहाँ के हेड होते थे हैंडल करते हैं थे ऑल दो थिंग ये तो पता ही है आपको इसके बाद लेट्स तो कम टू द सोसाइटी तो अगर आप देखें तो दे ऑल्सो प्रैक्टिस्ड द ब्रह्मनिज्म ठीक है इनके यहाँ पर भी वैश्नविज्म एंड शेविजम बहुत ही ज़्यादा फ्लरिश किया इनके टाइम पे एक्चुअली पूरे साउथ इंडिया में फ्लरिश किया बट अगर आप देखेंगे कि कर्नाटका रीजन में हमेशा से जैनिज्म ना लाइक बहुत अच्छा रहा है इवन इनकी जो राजकोटाज की वन थर्ट ऑफ द पॉपुलेशन ना जैना थी और इवन जो अमोघो वर्षा थे वो खुद एक जैना थे ठीक है उन्होंने जैनिज्म को एक्सेप्ट किया था तो लाइक जैना का अगर आप देखोगे यहाँ पर बहुत ही अच्छा राइज देखने को मिलता है हमें और इवन बहुत सारी बुद्धि सेटलमेंट वॉज ऑल्सो देयर ठीक है इसके बाद लेट्स टॉक अबाउट देयर इकोनॉमी तो इकोनॉमी की बात करें तो इनका कॉमर्स एंड ट्रेड पे ही रिलाई करते थे लोग बिकॉज मैंने बताया कि ये जो रीज़न था महाराष्ट्र का एंड कर्नाटका का दैट वॉज नॉट मच फर्टाइल तो जो अरब ट्रेडर्स थे वो यहाँ पर आ ट्रेड करते थे तो यहाँ पर कोई चीज़ नहीं आया था और बट फिर भी लाइक इनका जो एम्पायर था दैट वॉज क्वाइट प्रॉस्पर्स ओके सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी राजकोटास और इसी के साथ हमारा राजकोटास एंड साउथ इंडियन किंगडम होते हैं कंप्लीट जितना भी यहाँ पर लिखा है कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन एंड ऑल वो सब हम कहाँ पढ़ने वाले हैं आर्ट एंड कल्चर में बिकॉज वहाँ पर मैं आपको कनेक्ट करके दिखाने वाला हूँ सो डोंट वरी एंड विद दिस वी कंप्लीट आर एंशियंट इंडियन सीरीज एंड दिस पार्ट ऑफ क्रैश कोर्स नाउ यू विल स्टार्ट विद द मेडाव इंडिया सो टिल दैट टाइम थैंक यू एंड एवरनाइज डे एंड जय हिंद